जम्मू की जनता के साथ ये मेयर साहब टोटली धोखा कर रहे हैं। हम नहीं करते, आज मेयर साहब जीरो है, जीरो ही रहेंगे, सच बता रहा हूँ। सिर्फ अपनी कुर्सी का हमको एक लालच हो चुका है, सिर्फ अपनी कुर्सी का हमको एक लालच हो चुका है। नमस्कार उज्जवल जम्मू में आपका स्वागत है और मैं हूँ आदित्य राजपूत। आज बस स्टैंड में जो है प्रोटेस्ट होता है चंद्रमोहन गुप्ता जी के खिलाफ, जो कि मेयर है जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के, और इस प्रोटेस्ट को जो है वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता द्वारा किया जाता है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या ऐसा मसला हुआ कि आपको मेयर के खिलाफ जो है प्रदर्शन करना पड़ा? नमस्कार, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने इस मुद्दे के लिए आज मेरे से बात करने के लिए आए हैं। ये जो मुद्दा है बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। देखिए, वो मेयर साहब हैं जम्मू सिटी के, जम्मू हमारे 75 वार्डों के मेयर साहब हैं, उनका फर्ज बनता है। अगर देखिए उनके जितने इंटरव्यू लिए हैं कोरोना के टाइम पे, तो वो हर टाइम कहते हैं सब कॉर्पोरेटर मेरे साथ चलते हैं, मेरे से फ़ोन पे बात होती है, मेरे पास आते हैं। फिर आज ऐसा क्या हुआ, चंद्रमोहन गुप्ता जी आते हैं और नारियल फोड़ के चले जाते हैं? ऐसा उनको क्या इतनी जल्दी थी कि आज ही 10:30 बजे मैंने ओपनिंग करनी है और मैं चले जाऊं? उनको एहसास नहीं आया इस चीज का कि यहाँ का इलेक्टेड बंदा जो जीता हुआ है, जनता ने वोट देके उसको जिताया है, तो आज उनको क्यों नहीं बुलाया? तो आपको क्या वहां पर नहीं बुलाया गया कि इनॉग्रेशन है, कि वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर वहां पर मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उनके वार्ड की बात है? देखिए, मुझे कल एक्शन साहब का यूएडी का फोन आया था अश्विनी जी का। वो कहते हैं मेयर साहब ने कल आना है नाले का रोन लगाने के लिए बस अड्डे में, तो आप ही आना। मैं कहा टाइमिंग क्या है? वो कहते हैं 10 या 10:30। मैंने कहा जनाब आप 10 या 10:30 नहीं करो, 11 बजे करो, क्यों? मैं सुबह अपने वार्ड में घूमना होता है तो इश्यूज होते हैं, सफाई का देखना होता है कहाँ, क्यों, जो मेरा एरिया बड़ा डोन एरिया है, बारिश आती है कि कल परसों बारिश आई थी तो नालियां और जाम और नाले थे, ओवरफ्लो हो जाते थे, इसलिए मैं सुबह उनको कहा मैं लेट आऊंगा 11 बजे, अब 11 बजे का टाइम फिक्स करो। रात को मेयर का ही पीए, जो मेयर साहब का पीए है, वो मैसेज करता है 10 बजे, फिर मैं वापस उनको कॉल करता हूँ, आपने मैसेज दिया है आप 10 बजे आओ। मैं कहा आपको एक्सिस साहब ने बताया नहीं है दोपहर को? देखिए, अगर मेयर साहब कहते हैं मेरी तालमेल, वो मेयर साहब खुद भी फोन कर सकते थे जी। तो ऐसा बताइए फिर वो झूठ क्यों बोलती है मीडिया के आगे कि मैं सब कॉर्पोरेटर को फोन करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके घर जाता हूँ, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं मीडिया के आगे। सच्चाई तो आज आपने देख ली है कि उनको इतनी उत्साह थी कि आज मैंने ओपनिंग करनी है, नारियल फोड़ना है, बर्फी खानी और चले जाना है, आज ऐसा ही हुआ। और वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैं तो हुई, वहां के एसोसिएशन के प्रधान जी हैं उन्होंने किया, वहां के लोग थे मौजूद लोग बस अड्डे के जो दुकानदार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मोहल्ले के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया मेयर साहब के खिलाफ, और मैं भी था कि झूठ क्यों बोलना, सच बात बोली ना, जनता को पता चले कि ये नाला काम आज नहीं लगा, नाले का काम 2-3 महीने पहले लगा, कोरोना से पहले, जब COVID-19 का जो माहौल बना था हमारे देश के अंदर लॉकडाउन से पहले काम लगा था, आज ओपनिंग करके चले जाते हैं, कितना झूठ बोलेंगे वो जनता की? जम्मू की जनता समझदार है, मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप जो भी मीडिया में आता है उसको क्लियर देखिए, वो सच क्या है झूठ क्या है। आपने आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, मेरे पास आए हैं कुछ सोच समझ के, कि जनता की आवाज है मीडिया, इस टाइम जो आवाज है जम्मू की, मीडिया हर तरफ अच्छा भी बताता है बुरा भी बताता है, जो सच है वो सच सामने लाना है। ये आपका बड़ा बहुत अच्छा रोल है उज्जवल न्यूज चैनल का। आज आपने धरना प्रदर्शन किया, मेयर भी सामने थे, कोई बातचीत हुई? कोई फोन नहीं आया मुझे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अगर हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया, बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, वो फादर ऑफ सिटी है जी, तो उनका फर्ज बनता है फोन करना जी। गलती वो करते हैं भुगतू मैं। इस नाले के लिए मैंने काफी देर से प्रयास कर रहा था और ये प्रयास पूरा भी हो चुका था। मैं जो पहले यूएनडी के एक्शन साहब थे, इससे पहले थे, उनसे मेरी बात हुई थी, हमारे जो पहले कमिश्नर थे पंकज मुगुर्ता जी, उनसे मेरी बात हुई थी इस नाले के, बस अड्डे के नाले के लिए। वो कहते हैं अमित जी ये फाइल सेक्टर मूव हो चुकी है, इकट्ठा लैंग्वेज का काम है, अमृत का काम है नालों का, ये हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ ताल में रखिए और आपका काम। और मेरा काम हो भी गया, ये 3 महीने पहले का काम स्टार्ट हुआ है, फिर आज मेयर साहब आते हैं नारियल फोड़ने, दिखावा, फोटो खिंचवानी है, बताना है मैं बहुत काम कर रहा हूँ, कोरोना के टाइम तो ये दिखे नहीं, आज इनको क्या ऐसा क्या ख्याल आ गया कि आज ही नाले और नालियों की याद आ रही है, वार्डों की याद आ रही है, अपने उनके अपने वार्ड में कितना काम हुआ है, आप उनकी जनता जहां पे वो रहते हैं अपने वार्ड से, वहां उनकी पब्लिक से पूछिए चंद्रमोहन गुप्ता जी ने कितना अपने वार्ड में काम कराया है, वो अपने वार्ड में घूमते भी हैं या नहीं, सिर्फ गाड़ियों में ही घूमते हैं,
ये आप भी सच देखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले देखा गया था कि बीजेपी के एक कॉर्पोरेटर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहाँ पर मेयर को जो है वो टारगेट किया गया था, लेकिन आज जो है हमेशा मेयर ही टारगेट किए होते थे, तो वो तो बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी के हैं, तो बीजेपी बीजेपी के दुश्मन कैसे हो? देखिए प्रोटेस्ट हम इंडिपेंडेंट भी करते हैं, हम कांग्रेस भी करते हैं। फिर मेयर साहब जब मीडिया हमसे सवाल पूछने जाती है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ओपोजिशन है, ओपोजिशन का काम ही है प्रोटेस्ट करना। वो कहते हम भी करते, जब हम अपोजिशन में थे बीजेपी वाले, कहते हम भी करते थे, मगर इनके ही लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इनके खिलाफ करते हैं। ऐसा क्यों? काम नहीं कर रहे मेयर साहब। अगर वो आज बीजेपी के कॉर्पोरेटर देखिए, प्रोटेस्ट हर टाइम किया उन्होंने, ग्राउंड में नहीं आए, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी गुस्सा जाहिर किया हुआ है जी। मैं तो कितने भी बीजेपी के कॉर्पोरेटर, राजेंद्र शर्मा लगा लीजिए, हार्डली 3 दिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मीडिया में कितना कुछ बोला उन्होंने, तो ये किसका बदनामी है? मेयर साहब की बदनामी है। उससे पहले कोरोना के टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ, ज्योति गुप्ता ने किया मीडिया में आके, मेरे वार्ड में कोरोना के 2 पेशेंट आए हैं, तो उनको वहां पे स्प्रे नहीं हो रही, सैनिटाइजर नहीं हो रहा था। उसके बाद राज अपने राजकुमार जी हैं, तड़खान जी हैं, जो वार्ड नंबर 6 के हैं, कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं, उन्होंने जो हाउस के अंदर कह दिया मैं अपना सर मुना दूंगा, तो बताइए ना कितनी बड़ी बात है। बीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट करते हैं, ये सिर्फ कहते ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन, अगर ऑपोजिशन नहीं होती तो मुद्दे जाहिर नहीं होते। आज महीने का 70 लाख रुपए जाता था तेल का, तो मिशनर के आने से 40 लाख हो गया है पेट्रोल का, जितना जो उसका खर्चा होता था ट्रांसपोर्ट सेक्शन में। मगर मेयर काम, कमिश्नर काम कर रही है, फिर मेयर हमारा क्या काम कर रहा है मुझे बताइए। अभी कुछ दिखने में सिर्फ ओपनिंग करनी है, नारियल तोड़ना है, बर्फी खिलानी है, आप भी खाइए हम भी खाइए, अपने जितने भी कार्यकर्ता उनको बुला लेते हैं, तो जो जीता हुआ इलेक्ट्रिक बंदा वो कहां जाएगा? आपने सैनिटाइज की बात की, देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो है, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन था पूरा देश, काफी ज्यादा सैनिटाइज किया गया पूरे जम्मू को सैनिटाइज किया, लेकिन अब क्या कोरोना वायरस खत्म हो गया, सैनिटाइज नहीं हो रहा? वही तो देखिए ना, अब उनका मेयर साहब का ध्यान जाता नहीं है, अब उनको दिखता नहीं है। पूरे इंडिया में अभी भी दिल्ली देखिए, यूपी देखिए, महाराष्ट्र देखिए, अभी भी हमारे जम्मू के अंदर कितने केस आ रहे हैं, आज वो डाउनफॉल हो गया। वही कह रहा हूँ ना, मेयर साहब सिर्फ मीडिया में दिखते हैं, ग्राउंड रियलिटी में आपने मेयर साहब से बात करने की कोशिश की कि हमारे वार्ड में जो है सैनिटाइज नहीं हो रहा? बिल्कुल, जो इन्होंने पंप दिए वो खराब हो चुके हैं जी। अब किसको तो नहीं लाए थे अभी, वो खराब हो गए जनाब, वो खराब है, कितने वार्डों के पंप खराब हो चुके हैं। उस हमने कंप्लेन डॉक्टर साहब को भी कहा था, वो कहते हैं आप अपने नगरान को भेजिए या सफाई कर्मचारी को भेजिए, सुपरवाइजर को कहिए, वहां बेरोज दुकान है वहां पे आप ठीक करवा लीजिए। देखिए हमारे लोग ठीक करवाने उधर जाते हैं वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं होगा हमारी जो है हम नहीं करेंगे, हमने कुछ नहीं प्रॉफिट कमाया, हमने एक इंसान के कहने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा था हमने दे दी, हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने जो सेल किया था वही पैसे दे दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए सिर्फ पंप से स्प्रे होगी, जो इतनी गाड़ियां मंगाई थी इतनी स्प्रे, वो जो बूम पंप से वो क्या कर रहे हैं? वही दिखने वही है ना, दिखाना हो गया म्यूनसिपलिटी के पास। देखिए उनके पास केमिकल भी खत्म हो चुका है, केमिकल जो हमारे हमें दिया था वो भी खत्म हो चुका है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ पार्टी को खुश करने के लिए, इनको अपनी कुर्सी से प्यार है, नशा है कुर्सी का, इनका नशा तोड़ उतरता नहीं है, वो सर चढ़ के बोलता है इनका नशा। देखिए अगर मेरे वार्ड में आएंगे, आए हैं, मैं मोस्ट वेलकम करता, उनकी इज्जत सम्मान करता, उनको फूल माला पहनाता, अपने मोहल्ले में वार्ड में घुमाता, मेरे वार्ड में ये प्रॉब्लम है। बस अड्डे के जो प्रधान है, जो ट्रैवल एजेंसी के प्रधान है, दुकानदार है, अलग अलग एरिया के प्रधान है, हम उनको बुलाते, इनका मेयर साहब का सम्मान करते, अच्छी तरह वेलकम करते, ऐसा उनको समझ नहीं आता। अपने 10 लोग मंगाए, 4 लोग मंगाए, नारियल फोड़ा, बर्फी खाई, वो चले गए, ऐसा क्या कर रहे हैं? जम्मू की जनता सब जानती है, सिर्फ ये झूठे वादे करते हैं। मेयर साहब अभी तक मुझे एक काम बता दीजिए जो जम्मू के डोगरों के हित में किया हो, एक काम बता दीजिए। लेकिन मेयर साहब तो कहते हैं कि हम कॉर्पोरेटर और मेयर डिप्टी मेयर जो है एक मुट्ठी में है, मतलब हम एक सब एक साथ हैं। ये वही है ना, हाथी दांत दिखाने कुछ और, वही आप समझ जाए, कहावते बहुत ज्यादा है, मेयर साहब के पास जाएंगे वो भी कहावते बड़ी सुनाते हैं। अभी भी एक नाले काली कॉलोनी अपना एरिया बावे वाली साइड, वहां भी नाले के लिए गए थे, वहां भी मीडिया को अपनी कहावते सुनाई, वहां से चले गए। देखिए वो मीडिया को एड्रेस नहीं करते, अगर मीडिया उनसे सवाल पूछता है, अब देखिए कभी वो सही सवाल जवाब देंगे, सिर्फ घुमा फिरा के कोई सवाल,
मुझे बताइए, अगर ऊपर राज्यपाल जी आए थे 25-25 लाख का काम दिया, अभी तक वो सेंक्शन नहीं हो पाया। स्टील लाइटें देख लीजिए बंद पड़ी हुई हैं, वो कंपनी भी चलेगी। मैंने मेयर साहब से पूछा, मेयर साहब वो स्टील लाइटें तो लगा दो, अब तो कोरोना भी नहीं दिख रहा आजकल, तो वो तो लगा दो। कहते नहीं, वो फैक्ट्री भी फैक्ट्री बंद पड़ी है, फैक्ट्री बंद, वो हमारी गलती है, इन्हीं के पार्टी के लोग। अगर मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ और बीजेपी के वर्कर ही मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आप मुझे बताइए वो प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ हुआ, मेयर के खिलाफ हुआ? देखिए गलती मेयर करता है, नुकसान हमें हो रहा है, जनता को मैंने जवाब देना, मेयर साहब ने देना। जब हम देखिए हाउस नहीं लगाते, हाउस लगाइए ना, हाउस नहीं लगाते, मतलब कुछ तो कुछ पब्लिक डील की बात करें। आपने इतना पैसा आया, सेंटर ने भेजा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब आपका हाउस नहीं लगा, काफी देर हो गया, तो कैसे अपने जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस तरह से आप मेयर के आगे रखते हैं? देखिए हाउस लगना, हाउस लगने में क्या होता है, हर बंदा, हर कॉर्पोरेटर अपनी वार्ड की बात करता है, समस्या बताता है, ये प्रॉब्लम है मेरे वार्ड में, ये इस चीज की कमी है, ऐसा अपनी नाकामी छुपाने के लिए मेरे साथ तो हाउस क्यों नहीं लगा रहे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मीटिंग कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कर सकता है, आर्मी हाई लेवल पे मीटिंग हो सकती है, हम अपने जम्मू के डोगरों के हित की बात के लिए हाउस लगाना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो फिर किस तरह से अपने वार्ड की परेशानी लेकर आप मेयर साहब को बताते हैं? मैं वही तो कह रहा था, मैं मेयर साहब के पास गया था और लाइटों की काफी दिक्कत आ रही है, जब लाइटें इन्होंने MU साइन किया था ESL कंपनी के साथ, तो अभी तक मेरे वार्ड में कुछ एरिया में लाइट लग चुकी है, कुछ एरिया में तो लगी नहीं है, तो इतनी दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लोग मुझे कहते हैं जब मेयर साहब के पास जाएं, उनका जवाब ही उल्टा होता है, मैं सर आपने ये साइन किया, लाइटों का तो पता करवाइए, लाइट कहता उनकी फैक्ट्री बंद है, क्या करेंगे, छोड़ो लग जाएंगी, मतलब उनका जवाब नहीं है। अगर मेरे ही वार्ड के लोग चले जाएंगे ना मेरे वार्ड मेयर साहब से कोई कंप्लेन करने के लिए, काम नहीं हो रहा है कुछ भी, वो कहेंगे हाँ कॉर्पोरेटर देख लेगा, जब कॉर्पोरेटर के पास कुछ होगा तो वो देश देगा ना, वो सच नहीं बताते, सिर्फ मीडिया के आगे बोल देंगे मैं ये करा रहा हूँ। 200 करोड़ इन्होंने सैंक्शन करवाया था नालों का, ये सेंटर की स्कीम थी, सेंटर के तहत चल रहा था काम, आज ये खुद आके ओपनिंग कर रहे हैं और कॉर्पोरेटर को इग्नोर करते हैं, और जम्मू की जनता के साथ ये मेयर साहब टोटली धोखा कर रहे हैं। एक काम बता दीजिए जो कोरोना के टाइम के अंदर मेयर साहब ने अच्छा काम किया हो, कि जम्मू की जनता के लिए, हित के लिए, ऐसा कोई एक मुझे काम बता दीजिए। अगर हम सभी कॉर्पोरेटर काम नहीं करते, आज मेयर साहब जीरो है, जीरो ही रहेंगे, सच बता रहा हूं। अब अनदर किसी और कॉर्पोरेटर के पास चले आइए, ऐसा कौन सा मेयर साहब कर रहे हैं जो हम उनके लिए अच्छा कहें? अगर वो अच्छा काम करेगा हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, मेयर साहब को अच्छा काम किया मेयर साहब ने, मगर ऐसा कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ अपनी कुर्सी का उनको एक लालच हो चुका है, मैंने 2.5 साल तक मैंने इस कुर्सी में बैठे रहना है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं बीजेपी सेंटर में, मगर बीजेपी जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है वो मेयर साहब की क्या क्वालिटी देखी है, उनको कुर्सी दे दी है, उन्होंने क्या देखा उनमें, कौन सी क्षमता देखी है ये हमारे जम्मू के लोगों के लिए काम कर सकते हैं मेयर साहब? हमें उनसे भी सवाल पूछता हूँ जो हमारे जम्मू के रविंदर रैना जी हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने मेयर साहब के अंदर ऐसी क्या खूबी देखी कि इस लाइक है वो मेयर साहब काम करने, हर हफ्ते दो हफ्ते महीने के अंदर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बीजेपी के कॉर्पोरेटर कर देते हैं, हाउस के अंदर बीजेपी कॉर्पोरेटर, पवन सिंह लगा लीजिए, राजकुमार लगा लीजिए, अपने रजिंदर शर्मा लगा लीजिए, वो तो ओपन चैलेंज कर देते हैं मेयर साहब को, ओपन क्लियर। तो बताइए हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम कांग्रेस इंडिपेंडेंट कहां करेंगे, अपोजिशन तो मेन तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। इस यही कह रहा हूं, अगर वो चाहते हैं जम्मू के हित की बात, जम्मू के लोगों के डेवलपमेंट की बात, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये आपको सच्चाई बता दूं, ये कॉर्पोरेटर की हिम्मत है, UD डिपार्टमेंट जाना, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाना, कुछ भी काम होता है कॉर्पोरेटर, बिजली पानी नहीं आ रहा कॉर्पोरेटर कर रहा है काम, यही कहना चाहता हूं। मेयर साहब एक टोटल फेलियर है, हो चुके हैं, अपनी नाकामी छुपाने, मैं कहता हाउस लगाइए, हाउस क्यों नहीं लगाते, हाउस में तो बातें होंगी, हम उनसे जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे, वो क्यों भाग जाते हैं, मीडिया को टोटली एड्रेस क्यों नहीं करते, कभी मुझे बताइए, सब मीडिया वाले कभी बुलाया है, कहां ओपनिंग करनी है वहां मीडिया बुला लेते हैं, मीडिया को कभी एड्रेस नहीं करते, जवाब नहीं देते, जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं उसका जवाब गलत बताते हैं। हमें ऑपोजिशन का मतलब यही है, अगर मेयर साहब गलत करेंगे, जम्मू की जनता के लिए गलत करेंगे, जम्मू के साथ धोखा करेंगे, ऑपोजिशन का काम ही यही है, सही बात बोलना, सही काम करना, ये ऑपोजिशन का धर्म है और ये हमारा कर्म है। क्यों इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर, लोगों ने मुझे पार्टी को, बड़ी बड़ी पार्टी को छोड़ के मुझे जताया, इस काबिल बनाया है, और मैं लोगों की हित की बात करूंगा। आपको हम बता दें कि कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा जो है काफी अच्छा काम किया जा रहा है, कितनी हद तक काम कर रहे हैं? नहीं, कमीशन मैम ने अच्छा काम किया है, हार्डली डेट ऑफ बर्थ का लिया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया,
और आपको डेट ऑफ बर्थ आपके घर पोस्ट करके भेजा जाएगा। ये बड़ा अच्छा स्टेप है कमिश्नर मैम का, ज्वाइंट साहब का बहुत अच्छा काम है कि आज की डेट के लोगों के पास टाइम नहीं होता जाने का, वहां पे बहुत टाइम लगता है। अपनी फॉर्मेलिटी ऑनलाइन भरिए, उसका आपको जवाब भी मिल जाएगा और हार्डली 10 दिन या 15 दिन के बाद आपके घर में वो पोस्ट आपके डेट ऑफ बर्थ या डेथ का आपके घर आ जाएगा। कमिश्नर मैम अच्छा काम कर रही है, ज्वाइंट साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हमारा कॉर्पोरेटर का जो है अच्छा तालमेल है उनके साथ। जो भी है अभी और जैसे और बातें करूं, जैसे अभी उन्होंने एक ऐप स्टार्ट की है कि सफाई कर्मचारी की फोटो खींचना, एक प्रेजेंट लगाना, कुछ कारपेटरों ने इशू उठाया था वो भी हल हो चुका है। जैसे हमारी जीआर करती थी हर दुकान का 100 रुपया, बड़े होटल 5,000 रुपया, जैसे छोटे होटल मिडिल होटल हैं उनका 500 रुपया, आजकल वो सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया है, ऐप से होता है। बड़ा अच्छा उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, कोई जो धोखा घोटाला होता था पहले जीआर की तरफ से कोई कॉपीज वगैरह में, वो खत्म कर दिया। ये कमीशन मैम ने कुछ ऐसे बोल स्टेप लिए हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हक के हैं और जम्मू की जनता के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये थे हमारे साथ अमित गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि बस स्टैंड पे क्यों मेयर के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया गया। और आपने देखा कि अमित गुप्ता जी जो है काफी रोष है इनमें, और आपको हम बता दें कि कल हम म्यूनसिपलिटी के कुछ बड़े अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, क्यों सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे कल हम कुछ बड़े अधिकारियों के, म्यूनसिपलिटी के कुछ बड़े अधिकारियों से। तब तक के लिए बने रहे आप उज्जवल जम्मू के साथ, नमस्कार।